वेरी गुड डे स्टूडेंट्स, टुडे आई एम प्रशांत कुमार टीचिंग यू फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर अकाउंटेंसी बुक एंड द चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आफ्टर दिस चैप्टर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट मीन्स व्हाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों है, क्यों हमें जरूरत है। टू फॉर यूनिफॉर्मिटी इन मेंटेनिंग अकाउंट्स। सिंपल सा इसका आंसर है, वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर क्रिएटिंग यूनिफॉर्मिटी। इट मीन्स ऑल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, private institutions, not for profit institutions, they have to present this type of report that may be based on certain standard. Accounting is an information system and its main aim to provide financial information to a number of parties such as investors, management, creditors, government, etc. Such information is provided through a set of financial statement, namely profit and loss account and balance sheet. Earlier in previous chapter we have studied, we are preparing accounts not for only the owners of the company, as well as we are creating accounts फॉर प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पार्टीज। हम अकाउंटिंग जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं वो सिर्फ ओनर्स के लिए नहीं बनाते हैं, ओनर्स के साथ साथ उसमें इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, उसमें मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है, उसमें क्रेडिटर्स भी इंक्लूड होते हैं। सो फॉर प्रिपेयरिंग अ यूनिफॉर्मिटी, फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रू एंड फेयर पोजिशन ऑफ द बिजनेस, we need for accounting standard. Now nature of accounting standard, nature means features. Accounting standard lay down the norms of accounting policies and practices by way of codes to direct as to how the transactions and event should be dealt within account and disclosed in the financial statement. हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए इस तरीके के रूल्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस प्रिपेयर करनी है जो जिससे जिस जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए, कंपेरेबल हो, कंपेयर कर सकें, मेथड हो कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कोई अकाउंटिंग बेसिस हो, उसके कुछ अपने लॉ हों। फॉर एग्जाम्पल अपनी हमारी कंट्री का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कुछ कानून बने हुए हैं, इफ वी ब्रेक दैट लॉ वी गॉट पनिश्ड, अगर हम उस लॉ को तोड़ते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है। द सेम थिंग इन केस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर क्रिएटेड बाय ऑल द पर्सन्स, whether they are profitable organizations or any other organizations, they must obey the standard, the law created by the reporting standard. Objective of accounting standard, to ensure uniformity in the preparation and presentation of financial statement. जो हम financial statement बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जिस स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं फॉर द यूजर्स टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर रिमूविंग मेल प्रैक्टिसेस फॉर दोज बिजनेसमैन और फॉर दोज पर्सन्स हु क्रिएटिंग मेल प्रैक्टिसेस फॉर कंसील्ड प्रॉफिट एंड फ्रॉड इन द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज टू एंश्योर कंसिस्टेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी फॉर रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स कोई भी हम चीज़ करते हैं तो उसके लिए हम पूछते हैं कि भाई इससे हमारा बेनिफिट क्या है उससे हमारा बेनिफिट क्या है जैसे वी स्टडीड अकाउंट्स तो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर स्टडिंग अकाउंट्स दैट्स द सेम देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द फर्स्ट वन इज फॉर रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं जो भी हमें बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो रिलायबल हो हम उस पर ट्रस्ट कर सकें और उसकी कोई विश्वसनीयता हो उसका कोई विश्वास कर सके ऐसा ना हो कि हम इस तरीके के फेक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें जो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने ओनर्स के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हो अनदर वन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कंसिस्टेंसी एक रूपता लाने के लिए है जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें किसी तरीके का अलग अलग ना हो एक रूपता होनी चाहिए चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हो कंसिस्टेंसी हो एक जैसे हो और आसानी से हम उसमें कंपैरिजन कर सकें फॉर हेल्प इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट मीन्स इफ देर इज एनी कन्फ्लिक्ट अमंग द ओनर्स एम्प्लॉयज क्रेडिटर्स लेंडर्स गवर्नमेंट और व्हाटएवर अगर उनके बीच में किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट कोई मनमुटाव हो जाता है उस मनमुटाव को दूर करने के लिए वी हैव नीड सम एविडेंस और हमें उसके लिए ज़रूरत है एविडेंस की सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड नेक्स्ट वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए हैं तो जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं उसको हम रोक सकते हैं जो भी फ्रॉड चाहे वो एम्प्लॉय के लेवल पे हो चाहे ऑफिसर ग्रेड के लेवल पे हो कोई भी अगर हमारा इस तरीके का कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं हेल्पफुल टू ऑडिटर्स ऑडिटर आर दोज पर्संस हु चेक द अकाउंट्स कि उसमें किसी तरीके का मिस्टेक कोई एरर कोई फ्रॉड कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर ऑल्सो द ऑडिटर विल बी फ्री फ्रॉम कोर्ट केसेस एंड वेरियस पैनल प्रोविजंस अंडर द कंपनी लॉ इन केस ऑफ इंडक्टेड फ्रॉड कोई भी फ्रॉड अगर होता है कोई भी चीज छुपाई गई है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवर अनदर टॉपिक लिमिटेशंस इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ कमियां हैं रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव सबसे बड़ी लिमिटेशन है इनिशिएट करने की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हु विल टेक इनिशिएट रिजिड इन नेचर ये जो है रिजिड इन नेचर है फ्लेक्सिबल नहीं है अकाउंट्स के जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं है उसमें रिजिडनेस की फीलिंग है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि हमारी बुक्स में जो भी एसेट्स वॉट एवर एसेट्स या परचेज्ड जो भी एसेट्स हमने परचेज वगैरह कर रखी है उसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर ना करके हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जिस अमाउंट पे हमने उसको परचेज करा है वो रिकॉर्ड करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स एज द स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी ये जो हैं ऑडिटर्स इस अपने अकाउंटिंग बुक्स को चेक करने में बंधे हुए हैं ऑब्स्ट्रक्ट हैं कि उन्हें जो भी चीज़ें करनी हैं
under the principles of accounting standard. Now, very important term is came IFRS, International Financial Reporting Standard. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट करती है और इसके क्रिएट करे हुए स्टैंडर्ड हर कंट्री को फॉलो करने हैं. सो द टर्म IFRS रेफर्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. दिस IFRS also cover a wide range of international accounting standard issued by the International Accounting Standard Committee. International accounting standard require financial statement to comply all the requirement of IFRS. यानी कि जो भी IFRS ने rules वगैरह बनाए हैं वो सबको follow करने की compulsory है. कुछ assumptions हैं, going concern, business का life endless है, accrual, we will record cash as well as credit both, measuring unit assumptions, unit को measure करेंगे, constant purchasing power assumption, इसमें ये assumption है कि business में purchasing regular each year चलती रहेगी. इसी के साथ in same slide we have seen need for IFRS, हमें IFRS की need क्यों है? Easy access to capital, global market. Globalization है तो हम किसी भी market को globally access कर सकते हैं. Easy to make comparison, हम आसानी से comparison कर सकते हैं. These are based on IFRS. Uniformity in financial reporting, जो भी financial accounts बने हुए हैं उसमें uniformity है, एक रूपता होनी चाहिए. It improves the standard and quality of financial reporting. Lower cost, जो capital raise करने की है, कोई भी business हो, चाहे वो बहुत छोटा business हो या बहुत बड़ा business हो, everybody need capital, हर किसी को capital की जरूरत है. तो वो capital जो हम arrange करेंगे, उस capital को arrange करने का cost कम से कम होना चाहिए. जो भी हमारी assets हैं, building, machine, furniture, these are our assets, उन assets का fair valuation होना चाहिए. Difficult to commit fraud and manipulate the account, जो standard IFRS बनाता है उसमें किसी भी तरीके का fraud और manipulate करना easy नहीं. अब कुछ benefits हैं IFRS के. First, helpful to enterprise operating globally, अगर हम अपने business को large scale पे ग्लोबली ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो IFRS के स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, नेसेसरी है. हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स हु द इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस. इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस में लगा रखा है. तो इन्वेस्टर्स रिक्वायर रिलायबल ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर ग्रोथ. इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि जहां उन्होंने पैसा वगैरह लगा रखा है प्रॉपर ग्रोथ हो, रिलायबल हो, उनका पैसा सेफ हो. हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेटअप करना, इंडस्ट्रीज के लिए फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी हैं डेट शुड बी इजिली हैंडेबल बाय द बिजनेसमैन. लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड एब्रॉड, अगर हम अपने फंड को रेज करते एब्रॉड बाहर से, that comes to concept GDR and ADR. ये दो concept हैं जहां से हम अपने fund को globally raise कर सकते हैं. So, if we follow in our business accounting standard, we can easily collect the fund from the global market, whether they are GDR, global depository receipt, or whether they are related to ADR, American Depository Receipt. Now a time business is expandable globally. आजकल business expandable है globally. तो उसके लिए हमें जो ज़्यादा amount की ज़रूरत है, तो ज़्यादा amount अगर हमें अपनी country में arrange नहीं हो पाता है, we can collect it outsidely. But for that we should follow
the principles of IFRS. Another one, helpful to accounting professionals. जो professionals हैं, चाहे वो doctors हों, चाहे वो lawyers हों, teachers वगैरह हों, तो उनके लिए वो professional helpful होते हैं IFRS के. True and fair view in IFRS based financial statement assets are valued on concept of true and fair value. जो भी accounting standard, जो भी accounting principles are prepared by the IFRS is the based on true and fair value. It means on the basis of their market value. Indian accounting standard ignore this concept. बस इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इस चीज को फॉलो नहीं करता है. सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर बिजनेसमैन एज वेल एज क्रेडिटर्स as well as investors. So read it and listen this video very carefully. Now in this slide you have seen some short answer questions. First, explain the nature we have done. Accounting standard ensure the consistency and comparability of financial statement. State four advantages. Define accounting standard. What is IFRS and what are two benefits of IFRS? In the same slide, you have seen what are accounting standard. So we know these are written statement. ये written statement है specifying, जो specify करता है uniform rules को and practices for preparing the financial statement. Another one, give 2 points regarding the nature of accounting standard. So first of all, they remove the effect of diverse accounting policies and lay down the norms of accounting policies. Next one, two advantage of accounting standard, improve the reliability, credibility of financial statement, and accounting standard ensure the consistency and comparability of financial statement. The most one, what is the full form of IFRS? The full form of IFRS, International Financial Reporting Standard. So students, you have to listen it very carefully. This is very helpful. Now we will take next chapter in next video.